नमस्कार दीक्षा को आपको अपने कोर्स के लिए किस तरीके से प्रयोग करना है इस वीडियो में मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताऊंगी। अगर आपने पहले दीक्षा इस्तेमाल किया है या आपने इससे पहले दीक्षा कभी यूज़ नहीं किया है, इन दोनों ही केसेस में आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर दीक्षा लिखना है। जब आप दीक्षा लिखेंगे यहाँ पे आपके अगर फ़ोन में ऑलरेडी पहले से ही दीक्षा है तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा या ओपन का ऑप्शन आएगा, आप उसको अपडेट कर लीजिए और वहाँ से ओपन कीजिए। ये पहली बार ही करना है। अगर आपने इससे पहले कभी दीक्षा का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो उसको इंस्टॉल करेंगे। ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। ऐप इंस्टॉल होने के उपरांत आप इसको ओपन करेंगे। अब आपने अगर पहले से ही लॉगिन किया हुआ है तो आप लॉगिन हो जाएंगे, पर अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको अपने सबसे पहले तो अपने भाषा का चयन करना होगा। मैंने यहाँ पे इंग्लिश भाषा का चयन किया। अब आप करने के बाद आप पेज पे नीचे देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी। अगले पेज पे ये मुझे अपना रोल का चयन करने को कह रहा है। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर के रोल को चयन करूँगी। अगर मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ या मैं क्लस्टर लेवल ऑफिशियल हूँ या ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डाइट ऑफिशियल, तो मैं हेड टीचर एंड ऑफिशियल रोल का चयन करूँगी। यहाँ मैंने हेड टीचर एंड ऑफिशियल रोल पर का चयन किया। अब ये करते ही मुझे सबसे पहले लॉगिन करने को कहेगा। अगर आप लॉगिन कर रहे हैं और आपने इससे पहले लॉगिन किया हुआ है रजिस्टर हेयर करके, आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए। अगर नहीं किया है तो अब हम रजिस्टर करेंगे। उसके लिए आप देखेंगे ये ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन और उसके नीचे रजिस्टर हेयर लिखा है, उस पर मैं क्लिक करूँगी। रजिस्टर हेयर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये पेज खुलेगा जिसमें मैं सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ पे क्लिक करूँगी और यहाँ से अपना जन्म वर्ष जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी और अब मैं अपना यहाँ पे नाम लिखूँगी। यहाँ से अब आप अपना किस तरीके से दीक्षा में रजिस्टर करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपना आप पासवर्ड खुद बनाएंगे। पासवर्ड जब आप बना रहे हैं तो याद रखिएगा एक कैपिटल लिखना है, कुछ स्मॉल वर्ड होने चाहिए, कुछ स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। ये करने के बाद आप अपना पासवर्ड यहीं पे ऐसे ही कंफर्म करेंगे और ये करने के बाद अब आप आई एक्सेप्ट कंडीशंस और अब आप इस पे अपना लॉगिन रजिस्टर हेयर करेंगे। ये पासवर्ड यहाँ मैच नहीं हो रहा है तो रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपका पासवर्ड जो आपने डाला है उसको आप सेम पासवर्ड को ही यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना अब वो जो आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर करा है वो डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्टर हेयर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं और आपके पास कोई जीमेल अकाउंट है तो आप सीधा साइन इन विद गूगल बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपके फ़ोन में जो भी जीमेल अकाउंट है आपका, आपको वो सारा जीमेल अकाउंट दिखा देगा। आप उसमें से कोई भी जीमेल अकाउंट को क्लिक करके आप अपना दीक्षा उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे पहले लॉगिन, अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं या आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस कंटिन्यू करना है आपको, और ये हेड टीचर एंड ऑफिशियल्स को आप देखेंगे ये पेज दिखाई देगा, टीचर्स को डायरेक्टली कोर्सेज दिखाई देंगे। पर अब आप सबसे पहले अगर आप लॉगिन कर चुके हैं, अब आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके लिए आप देखेंगे आपके पेज पे सबसे नीचे दाहिने ओर एक सिंबल बना है, सबसे कॉर्नर में आपको देखना है प्रोफाइल का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दीक्षा का आईडी आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वहाँ पे जाके मैं उस पर एडिट पे क्लिक करूँगी।
और यहाँ पे ये मुझसे रोल और अपना बॉक्स वापस से सारे डिटेल्स पूछेगा। आप यहाँ पे आकर अपना रोल वापस से आप ठीक भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत चूज़ किया है। उसके बाद आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, बिहार। अब बिहार चूज़ करते ही आपके पास आपके सब रोल आ जाएंगे, आपके स्टेट में जो भी आपके रोल्स हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं या असिस्टेंट टीचर हैं या ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हैं या प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, प्राइमरी डायरेक्टर हैं, उसके हिसाब से आप अपना रोल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चूज़ किया है। अब यहाँ पे इसके बाद मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। अगर मैंने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चूज़ किया है तो मैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक दोनों कन्फर्म करूँगी। अगर मैंने ऐसे ही अगर क्लस्टर लेवल ऑफिशियल चूज़ किया है तो मैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक क्लस्टर चूज़ करूँगी, और अगर मैंने स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल टीचर चूज़ किया है तो मैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक क्लस्टर स्कूल, ये सब चूज़ करके, इन सब का चयन करके मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगी। और इस तरीके से यहाँ से मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई है।